देहरादून एसटीएफ एसएसपी ने संगठित अपराधों व असामाजिक तत्वों के खिलाफ ऑपरेशन चला रखा है। इसी के चलते एसटीएफ कुमाऊं की टीम ने सितारगंज पुलिस के साथ मिलकर एक हथियार तस्कर को 3 विदेशी पिस्टल सहित दबोच लिया, जबकि तस्कर का शातिर साथी मौके से फरार हो गया। यह गैंग लंबे समय से उधम सिंह नगर व नैनीताल में ऊंचे दामों पर विदेशी पिस्टल बेचने का धंधा कर रहे थे। आज एसटीएफ कुमाऊं यूनिट को सूचना मिली कि सितारगंज इलाके में हथियार तस्कर कोई बड़ी डीलिंग करने आ रहे हैं। सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम ने सितारगंज पुलिस को साथ लिया और चेकिंग के दौरान सितारगंज निवासी हरप्रीत सिंधु को 32 बोर की 3 इंग्लिश पिस्टल सहित गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी मनदीप पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। एसटीएफ एसएसपी ने बताया कि यह गैंग लंबे समय से अवैध हथियार की खरीद फरोख्त कर रहे थे और उधम सिंह नगर व नैनीताल में इन्हें ऊंचे दामों पर बेचते थे। एसएसपी ने बताया कि हरप्रीत 2012 में भी सितारगंज में हथियारों के साथ पकड़ा गया था। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।